हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड। गाइस सेकंड एपिसोड में गाइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस जो मेरा पहला वाला जो प्लान था ना गाइस, तो एक्चुअल में पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था ना गाइस। तो आज मैं फिर से आया हूँ वही वाला प्लान गाइस रिट्राई करने के लिए। तो गाइस आज हम फाइनली अभी पहुंच गया गाइस मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर में, और यहाँ पर जो गाइस रेलवे स्टेशन के ऊपर आ गया गाइस मैं अभी, और जो अपना ब्लॉग है ना गाइस यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर से, क्योंकि उधर साइड से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके नहीं बनाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण ना गाइस, तो उधर साइड में थोड़ा जंगल एरिया पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज डायरेक्ट मैं रेलवे स्टेशन से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करूं। और जैसा कि गाइस हमको यहां से ट्रेन पकड़नी है, कल ना गाइस हमारा कुछ ऐसा शॉर्ट हुआ था, आपने अगर वाला ब्लॉग नहीं देखा ना तो गाइस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। या फिर गाइस मैं आपको यहां पे शॉर्ट स्टोरी बता देता हूं। जैसा गाइस मैं आया था कल, हम जा रहे थे गाइस ट्रैवल करने के लिए, तो यहां से गाइस हमारे गाँव से जो कि डोंगरी बुजुर्ग हैं यहां से ना गाइस हमको एक ट्रेन लेनी थी, जो कि इसका टाइमिंग है गाइस 6:15 का टाइम है उसका। और गाइस हमको जाना था गोबरवाई में गाइस एक ट्रेन खड़ी रहती है जो कि पैसेंजर ट्रेन है, और वो गाइस गांव में आती गाइस 7 या फिर 7:15 बजे का उसका टाइम है। तो हमको उस ट्रेन से वापस आना था, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली क्या प्रॉब्लम हो गई थी, वो जो ट्रेन गाइस 7:15 वाली है ना, वो गाइस पहले गांव में आकर खड़ी हो गई थी, और जो हमारी जो 6:15 वाली ट्रेन थी ना गाइस, वो एक्चुअल में यहाँ से आने की यानी रेलवे स्टेशन पर ही आने की थी। तो ऐसा कुछ हमारे साथ में, कल का ब्लॉग तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था गाइस, बट आज नेक्स्ट डे है और आज हम फिर से वही वाला मूवमेंट दोबारा से करने वाले गाइस। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो गाइस लगभग 6:02 या 3 मिनट हो रहे होंगे, समथिंग अभी मेरे को करंट टाइम नहीं पता है, बट जहाँ तक कि मुझे लग रहा है गाइस कि 6:02 या फिर 5 मिनट के अंदर अंदर ही हुआ होगा। और जो गाइस टाइमिंग है ना ट्रेन का, वो 6:15 है, तो 6:15 हमको अभी और 5-10 मिनट वेट करना है। देखते गाइस आज ना ट्रेन अपने टाइम पर आती है या नहीं आ पाती है। बाकी अपने आपको फुल वाला गाइस एपिसोड अगर देखना है ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से जाके वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी ये कुछ इस तरह की लोकेशन है, यहां पर ये रेलवे स्टेशन है गाइस, उधर साइड में ना पैसेंजर के लिए जो बैठने के लिए जो सीट वगैरह रहती है ना, उधर अरेंज की गई है। बाकी आज का लोकेशन चेक मार सकते हैं गाइस। इधर साइड में ना पूरा आपको डार्क अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि गाइस अभी 6 बजे हैं, तो 6 बजे गाइस काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, और अभी मॉर्निंग का टाइम है ना गाइस, एकदम सा काफ़ी ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है, तो उस वजह से गाइस लाइट्स वगैरह जो है ना उसी के नीचे हम काम चला रहे हैं। बाकी तो इधर साइड में तो पूरा अंधेरा है। उधर साइड में ना गाइस मोबाइल एरिया है जो कि अभी यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने के कारण ना कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। कल सेम जैसा था ना गाइस माहौल, आज भी सेम वैसा ही है, बट गाइस हमको आज एक होप है गाइस कि आज ट्रेन अपने टाइम पर आ जाएंगी और हम ट्रैवल कर पाएंगे गाइस। यहाँ से हमको जाना है गोबरवाई, और गोबरवाई से गाइस 7 वाली ट्रेन पकड़ कर वापस आना है, जो कि इसके पहले गाइस मैंने वाला प्लान किया हो, बट एक्चुअल में कल मेरे को ब्लॉग शूट किया ना मैंने, तो ब्लॉग शूट करते समय मैंने गाइस क्या हो गया था पता नहीं, ट्रेन आई नहीं थी, तो उस वजह से गाइस हमारा वाला प्लान तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था। बट कोई नहीं गाइस, आज हम सेम प्लान और सेम डे, तो लेट से गाइस चेक मारते अभी कितने टाइम के बाद में हमारी ट्रेन आती है। और यहाँ से गाइस उधर साइड में मैं ब्लॉग शूट किया रहता गाइस क्योंकि 6 ऑलरेडी बज गए थे ना, तो मुझे काफ़ी जल्दी आना था रेलवे स्टेशन के ऊपर में, जल्दी आने के कारण गाइस मैंने उधर साइड से ब्लॉग नहीं शूट किया था। बाकी आज का ब्लॉग ना डायरेक्ट हो रहा है स्टार्ट रेलवे स्टेशन के ऊपर से। सो लेट्स सी गाइस आज का सिचुएशन क्या होता है, हमको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो गाइस ट्रेन का हमको वेट करना पड़ेगा, देन जैसे ही ट्रेन आती है तो गाइस आपको आगे की प्रोसेस पता चलेगी। तो गाइस हम फटाफट से कर लेते हैं ट्रेन का वेट एंड डायरेक्ट मिलते गाइस आपको ट्रेन के अंदर में। सो गाइस अभी ट्रेन को आने के लिए गाइस कुछ समय और बाकी है, तो गाइस मैं इस बीच में आपको ट्रेन का टाइमिंग बता दूं। गाइस जिस ट्रेन से हम जाने वाले हैं गाइस वो तुमसर रोड से आती है, गाइस तिरोड़ी जाती है, उसका टाइम गाइस लगभग 5:15 या 20 मिनट ऐसा कुछ टाइम है जो कि तिरोड़ी जाती है, और तिरोड़ी से गाइस वापस आती है वो 6:15 पर, और जो गाइस 7 वाली ट्रेन है ना गाइस वो 7:15 या 10 मिनट पर गाइस तिरोड़ी के लिए निकलती है, और उसका गाइस वापस आने का टाइमिंग जो होता है ना गाइस 8:30 या फिर 40 मिनट ऐसा कुछ होता है। और जो गाइस वो ट्रेन ना डायरेक्ट यहाँ से इतवारी भी जाती है, तो वो पैसेंजर ट्रेन है गाइस, उसका टाइम थोड़ा सा 7 से 8 बजे के बीच में रहता है ना, वाला टाइम रहता है। तो गाइस वो वाली ट्रेन अभी गोबरवाई में आके खड़ी होगी शायद से, या फिर आ रही होगी अभी रास्ते में होगी, और ये वाली ट्रेन ना गाइस वहाँ पर 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगी आराम से। तो हमको वहाँ पर जाकर ना गाइस वाली ट्रेन पकड़नी है, और उस ट्रेन से हमको गाँव में वापस आना है। इसके पहले गाइस मैंने ये वाला पूरी तरह से गाइस मैं तब ब्लॉग नहीं शूट करता था, और ब्लॉग शूट भी नहीं किया गाइस अभी तक के मैंने। ये मेरा जो कल का जो था ना, वो कल का मेरा फर्स्ट एपिसोड था और आज ये सेकंड था। कल का प्लान फ्लॉप हो गया था ना, इस वजह से गाइस मैंने आज का दोबारा से प्लान किया, और आज हम दोबारा आ गए अर्ली मॉर्निंग न्यू ब्लॉग के साथ में। सो गाइस लेट्स सी, हम चेक करते हैं अभी तो टाइमिंग ऑलमोस्ट गाइस होने वाला है ट्रेन का, तो आते हैं ट्रेन में बैठते हैं और फिर निकलते हैं गोबरवाई ट्रैवल के लिए। सो गाइस जिस ट्रेन का हम वेट कर रहे थे ना गाइस, उसका टाइम तो एक्चुअल में पूरी तरीके से हो चुका है, बट गाइस हमको ऐसा पता चला है कि आज ना वाली ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। तो गाइस मैंने स्टेशन वाले अंकल से पूछा गाइस, तो वो बोल रहे कि बुधवार और शनिवार को गाइस ट्रेन कैंसिल रहती है, वो आती ही नहीं है सुबह की ट्रेन।
और अभी तक के गैस मैं वेट कर रहा था। आज गैस मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का ब्लॉग ना हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा, बट गैस एक्चुअल में ये भी पूरी तरीके से गैस फ्लॉप होते हमको दिख रहा है, दिख नहीं रहा गैस, एक्चुअल में फ्लॉप ही हो गया, क्योंकि अभी हमको यहाँ से घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम 8 वाले 10 आने वाली बोलते तो उसका वेट तो गैस हम कर नहीं सकते, जैसा कि हमने पिछले वाले मैंने एपिसोड में आपको बताया था। तो गाइज ये भी हमारा एपिसोड जो है ना पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अभी गैस एक ही चांस है हमको यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध करना गैस घर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रेन आने वाली थी ना गैस वो ट्रेन एक्चुअल में गई ही नहीं है। तो गाइज हम वापस जाने का और गोबरा जाने का गैस तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन कैंसिल हो गई बोलते हैं। अभी डायरेक्ट जो ट्रेन आने वाली है ना गैस वो 7 वाली ट्रेन आने वाली है, जो कि यहाँ से तिरोड़ी जाएगी, और तिरोड़ी से गैस 8:30 बजे ना वहाँ पे नागपुर के लिए गैस जो इतवारी रहता है इतवारी के लिए चली जाती है। तो उस ट्रेन से हम जाने वाले नहीं है, अगर चले भी गए ना गैस तो वापस आने के लिए गैस हमको वही वाला एक ही स्टेप बसता है, या तो लिफ्ट मांग कर आओ गोबर वाई से, या फिर पैदल धक्के खाते आओ, तो उतना हम तो करने वाले नहीं है। अब गैस ये भी प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब गैस हमारे पास में एक और लास्ट चांस बचेगा, जो कि हम नेक्स्ट डे या फिर उसके बाद में हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि गैस पहला दिन पूरी तरीके से फ्लॉप गया था। ट्रेन आई थी बट गैस ट्रेन दोनों ट्रेन एक ही रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़ी हो गई थी, तो किससे जाए और किससे ना जाए ऐसा कुछ हो गया था हमारे साथ में। और आज का सीन ऐसा हुआ गैस कि आज ट्रेन ही नहीं आई है प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो जाने के बाद तो गैस काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो गैस ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि आगे दिखाने का और शूट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अभी यहाँ से हमको डायरेक्ट जाना पड़ेगा घर। आज भी गैस हम सेम टाइम पर आए थे, मैं निकला था गैस 5:30 बजे घर से, वो भी अर्ली मॉर्निंग ही निकला था। हम आज 4 फ्रेंड है साथ में, कल हम 2 ही लोग थे, रोहन आया था मेरे साथ में बाकी, और आज गैस अमोल है साथ में और रविकांत हैं और मैं, हम 4 लोग हैं। बाकी गैस मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ADS आउट।